तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एरे फार्मूला, और एरे फार्मूला के जो टेस्ट सीरीज है उससे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले चलते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास डेटा में कुछ नंबर दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ नंबर को चेक करना है, राइट। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि नंबर का कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि वो बीच में होगा या इतने करेक्टर बाद होगा या इतना इतना करेक्टर पहले होगा या स्टार्टिंग होगा, कहीं भी हो सकता है। उसको अलग करना, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूं कि सुजीत 7652 कुमार। अब मुझे 7652 को चेक करना है। तो कैसे करें? तो चलिए इसकी मैनुअल कंसेप्ट को पहले करते हैं। अगर मैनुअल इसको करना होगा तो सबसे पहले हम हर एक लेटर अलग करेंगे, इसकी मदद से मिड की मदद से। हाँ, मिड को सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में इसमें कॉलम दे देते हैं। और फिर एक एरिया ले लेते हैं और उस पे करते हैं F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, थोड़ा सा और ले लेते हैं। हाँ, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अलग हो गया। हाँ जी, फिर मैं सबको मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूँ, राइट। बिल्कुल जी। फिर मैं इसमें ए आई लगाता हूँ, इज एरर, इज एरर। तो इज एरर में क्या होगा, इज एरर फॉल्स। ट्रू आना चाहिए। तो इस एरर में जहां जहां ट्रू होगा वो दिख जाएगा और जहां फॉल्स होगा वो जो जिसमें नंबर होंगे वो फॉल्स हो जाएंगे। फिर मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और मैच के फॉर्मूले में फॉल्स को सर्च करूंगा, ठीक है। और फॉल्स को सर्च करूंगा अपने इस डेटा में, कॉमा 1, 7 आ गया। फिर मैं काउंट करूंगा, काउंट इफ करूंगा, काउंट इफ रेंज एंड फॉल्स। फिर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा मिड का, कि मिड हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि 7वें नंबर करेक्टर से जाओ, 4 करेक्टर को ले लो। कंसेप्ट समझ में आया? बस पहले हमने हर एक लेटर को अलग किया, फिर उस लेटर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जो टेक्स्ट होगा मल्टीप्लाई होते एरर आ जाएगा, जो नंबर होगा मल्टीप्लाई करते डेटा दिख जाएगा। फिर मैं ट्रू, इज एरर से मैंने एरर और डेटा को छांट दिया, तो जो हमारा एरर है वो एरर जो है, जो हमारा नंबर है नंबर के सामने डेटा आ जाएगा, सॉरी फॉल्स आ जाएगा। फिर मैं मैच लगा के उसका फॉल्स पोजीशन लूंगा कि कितने करेक्टर पे फॉल्स आ रहा है। फिर काउंट लगा के मैं सर्च कर लूंगा कि कितने फॉल्स है, उतने डिजिट है। बिल्कुल। और फिर मिड को बोलूंगा कि मैच का पोजीशन, मैच से पोजीशन लो और काउंट इफ से नंबर करेक्टर लो। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम फॉर्मूला किसके अंदर में, अब इसको इसका यूज करते हैं। चलिए, तो मिड, मिड में टेक्स्ट को ले लिया, पोजीशन में हमारा आ जाता है मैच, ठीक है। मैच में हम देंगे फॉल्स, फॉल्स को ढूंढना है, किसके अंदर ढूंढना है फॉल्स को,
इज एरर मिड, हाँ जी और मिड में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम्म, कॉलन वन बाय वन ले लेते हैं ताकि ऑटोमेटिक हो जाए, जी और कॉमा वन। अब मिड का रिजल्ट आ तो गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, अब हो गया। अब यहाँ पे हम टू कर देते हैं मैच को, क्या वन मतलब टू, जीरो माफ कीजिएगा जीरो जीरो तो एग्जैक्ट है। अब वापस आता है, ये तो आ गया ये स्टार्ट नंबर आ गया ना, अब आता है नंबर ऑफ करेक्टर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे काउंट इफ लेंगे, काउंट इफ में हम फॉल्स को काउंट करेंगे, फॉल्स को हाँ इसके अंदर, तो वही आपका इज एरर के अंदर, इज एरर के अंदर, इज एरर के अंदर क्या होगा मिड होगा, और मिड में हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलम देंगे वन एंड कॉमा वन, ये हमारा काउंट इफ फॉल्स बाद में होगा ना सर, पहले रेंज, पहले रेंज होता है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय वन कर देंगे और फिर हमारा क्राइटेरिया में फॉल्स देंगे, ठीक है। और फिर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं, अब इसमें हम कहीं छोड़ रहे हैं कुछ ब्राइकर्स है, मिडे नाइन मैच फ्रॉन्ट्स नथिंग चलते हैं, ये तो क्या इसमें हम कहाँ कहाँ बाइकर छोड़ रहे हैं एक देखने दीजिए, वेट यहाँ हो गया मैच मैच इज मैच हुआ इज एरर मिड कॉलम क्लोज हो गया मल्टीप्लाई पर वन एक क्लोज हो गया मैच एक क्लोज कर दिया हमने कॉलम रेफरेंस खत्म हुआ मिड खत्म हुआ सही तो है सर, मुझे लग रहा है कि ये काउंट को हमें क्या बोले काउंट को ये काउंट से पहले एक कोमा नहीं आएगा क्या, देखना काउंट इसको पूरा सेपरेट करना पड़ेगा ना पहले, नहीं काउंट से पहले तो कोमा डाल ही रखा है मैंने, नहीं सॉरी सॉरी वो ब्रैकेट एक इसको क्लोज कर रहा है इसको क्लोज कर रहा है, अब देखिए इसमें हुआ ना तो इसको हम अलग अलग लगाते, रुकिए हमला सही है लेकिन दिक्कत हो रहा है तो इसको अलग अलग लगाते हैं उसके बाद कंबाइन करेंगे, ठीक है ठीक है। तो हम सबसे पहले मैच, हमारा मैच इम्पोर्टेंट है ना, हम मैच ले रहे हैं या इक्वल पेस्ट और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देते, कंट्रोल शिफ्ट एंटर रिजल्ट सेवन आ गया। फिर इसमें काउंट इफ हमारा इम्पोर्टेंट है तो काउंट और इसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके ओके। काउंट इफ जो है वो एरर को एरे को सपोर्ट नहीं करता है, ओके समझ गए, काउंट इफ हमारा एरे को सपोर्ट नहीं करता है तो इसके जगह पे मैं सम दे दूं,
काउंट इफ जो है हमारा एरर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ज्यादा हो गया। हेलो, अब यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा हमें। ये एक छोटे हमने कॉलम जो लगा दिया है ना, इसलिए इसमें दिक्कत हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉलम नहीं होगा, ये समझे, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कॉलम, नहीं देना पड़ेगा हमें यहाँ रो देना पड़ेगा, तब होगा। रो इनडायरेक्ट वन कॉमा वन, वन के साथ एट द रेट लेन, ये भूल ही गए थे हम तो, इसको देना पड़ेगा, तब जाके इनडायरेक्ट क्लोज होगा और रो भी क्लोज होगा। हाँ, 11 आ गया। मैं इस पर एक बार फॉर्मूला एबुलेट करता हूँ, तो देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। मिड चला हो गया, सुजीत कुमार लेन आ गया, 15 रो 115 टूट गया। 115 टूटने के बाद मिड ने इसको अलग किया, मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, ई जरा ट्रू 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 किया, फॉल्स मिल गया, फॉल्स मिल गया। अब इक्वल टू ट्रू कर दिया। अच्छा हाँ, इसमें 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 इस चीज नहीं लगाना पड़ेगा, इक्वल ट्रू नहीं करना पड़ेगा, हमें फॉल्स को काउंट करना है, राइट। हाँ जी, तो हम यहाँ पे हमारे पास एक होता है नॉट का फॉर्मूला जो कि अपोजिट कर देता है फॉल्स को ट्रू एंड ट्रू को फॉल्स, समझे सर। अब अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, बताता हूँ। आपका चला मिड, मिड एक एक करके अलग किया जैसे वो करता है वो, बस इसमें ये हुआ कि हमने कॉलम का फॉर्मूला लगाया था वो गलत लगाया था। कॉलम का फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ कि वो एक बार में 10,000 रो 16,000 रो ले लेता है, क्योंकि तो कॉलम मतलब कि पूरा का पूरा कॉलम ले लेता है जितना कॉलम हुआ, यहाँ पे ये हुआ। इसलिए कॉलम नहीं, हमें रो लगाना है और रो में एडमिट करने के लिए इनडायरेक्ट के साथ उसका लेन कंबाइन करना, जो कि हम करते हैं, जैसे पहले बता रखा हूँ मैं आपको ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर इसने एक एक लेटर को अलग किया, लेटर को अलग करने के बाद इसने मल्टीप्लाई बाय वन किया, फिर इज एरर ने एरर को ट्रू एंड नंबर को फॉल्स कर दिया, कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रू को नहीं, हमें फॉल्स को काउंट करना है और सिस्टम फॉल्स फॉल्स सिस्टम जीरो समझता है, ट्रू को वन समझता है। तो हमने नॉट लगाया, मतलब कि अपोजिट कर दिया, ट्रू फॉल्स बन गया और फॉल्स ट्रू बन गया, नॉट ए किया। अब जितने भी ट्रू है उसमें मैंने वन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिस्टम ट्रू को वन समझता है, तो वन मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू वन, राइट। तो फॉल्स यहाँ जीरो हो गया और ट्रू वन हो गया और आपके नंबर्स आ गया, इस नंबर का उसने सम निकाल के दे दिया 4। अब मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें से गया 7वां नंबर लिया और 4 नंबर करेक्टर लिए, आ गया। अब इसको आप चाहो तो एक कर सकते हो, फॉर्मूले को कंबाइन कर सकते हो इसमें,
ठीक है, इस फॉर्मूले को इसमें कंबाइन कर सकते हो एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ गया। तो कंसेप्ट समझ में आ गया और कैसे लगाया वो भी समझ में आ गया। हाँ सर, लग तो रहा है कि आ गया समझ में, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग किया है, यहाँ पे काउंट इफ ने नहीं, यहाँ पे हमने सम वाला सिस्टम लगाया। काउंट ही बीबीए को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये एरर को सपोर्ट नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि मुझे हर थर्ड को कॉपी करना है। किसे किसे? थर्ड डेटा को। ओके कि थर्ड डेटा पे क्या है कि डेटा है हमारा, मान लीजिए क्या है कि कुछ ऐसा डेटा है कि भाई नेम हो जाता है, कोई एक आईडी है और एक अमाउंट है, इसको सम करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सम ही लगा सकते थे, पर सम में अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। अब किसी में अमाउंट लिखा है, किसी में एमआरपी लिखा है, किसी में प्राइजेज लिखा है, किसी में रुपीज लिखा है, तो इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो मुझे अगर सम ही बगैर लगाऊंगा तो एक एक करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना पता है कि हर थर्ड रो जो है उसमें डेटा है और सम करना है। तो याद होगा मोड का फॉर्मूला, याद है सर आपको? मोड रो कॉमा जीरो, थ्री थ्री मोड, पता है सर क्या करता है? हाँ हाँ सही, याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, रिमाइंडर हमने पहले निकालता है। तो जैसे कि रो का फॉर्मूला हमने पहले लगाया, यहाँ देखिए रो का फॉर्मूला पहले लगाया, और रो का फॉर्मूला क्या किया कि यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूले के जरिए इसको तीन से डिवाइड किया और इसका शेषफल पता किया। तो जो जो तीन का मल्टीप्लेक्स है वहां पे हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब मुझे जीरो वाले को सम लेना है, तो मैं इक्वल सम इफ लगा के अब बोल सकता हूं कि रेंज कॉमा डी, हाँ कॉमा क्राइटेरिया हमारा जीरो, और सम किसको करना है? इसको करना है। तो क्या इसको एरे में ऐसे लगा सकते हैं? तो सबसे पहले जानना होगा क्या सम इफ एरे को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, पहले इस चीज को जानना जरूरी है। तो इक्वल में यहाँ पे सम इफ लेता हूं, सम इफ, और सम इफ में रेंज हमारा क्या है? तो रेंज भी हम देता हूं यहाँ पे मोड, और मोड में मैंने दे दिया रो, और रो सेलेक्ट कर लिया अपना जो मेरा डेटा है उस डेटा को, ठीक है। और हाँ रो हो गया, और कॉमा थ्री, क्राइटेरिया हो गया हमारा जीरो, और हमारा सम रेंज हो गया, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। नहीं, सम इफ भी एरे को सपोर्ट नहीं करता है, समझ में आया? तो इसका तो तरीका क्या है? इसका तरीका ये होगा, अब इसमें इसको चेंज करता हूं मैं, यहां करूंगा कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर ए इक्वल टू जीरो है तो इसको शो करो, ठीक है। जहां जहां है वहां दिख गया, फिर सम से इसको हम सम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे भी ऐसे ही करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं सम, सम के अंदर देते हैं इफ, इफ के अंदर देते हैं मोड, और मोड के अंदर देते हैं रो, और रो में देते हैं है कि ए वन से लेके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, और हमने बोला डिवाइडर नंबर थ्री तीन से डिवाइड करना है, अगर ओ इक्वल टू जीरो है तो डेटा इस डेटा को शो करे,
ठीक है, हम्म, और फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दिया और रिजल्ट आपके सामने, समझ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब आप जो है इसको अपने हिसाब से, बाकी क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करें, ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है सर, ये फाइल भेजूं? भेज दो सर। हाँ, और रिकॉर्डिंग भेजना सर एक बार प्लीज।